नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो और उसके बाद उसके मालिक मनसुख हिरेन मौत मामले में जो एपीआई हैं यानी अपराध शाखा में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वझे वो गिरफ्तार होने वाले हैं? आखिरकार उन्होंने थाने की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका क्यों लगाई है? वो तो इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उन्होंने उस स्कॉर्पियो कार का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर किस बात का डर सता रहा है? दरअसल जब से एटीएस ने और इधर एनआईए ने जांच का जिम्मा संभाला है उसके बाद से सचिन वझे बहुत परेशान हैं। और जो खबरें मिल रही है कि दबाव में ही सही महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से उनका सुविधा केंद्र पर ट्रांसफ़र किया अपराध शाखा से जो है सुविधा केंद्र पे, उससे वो और ज़्यादा परेशान हो गए। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि जिस एपीआई पे ये आरोप है कि उन्होंने स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया, जिस एपीआई पे ये आरोप है कि इन्होंने सचिन वझे की हत्या की या हत्या कराई और वही इस मामले की जांच कर रहा हो, तो ये तो उसी तरीके से हो गया कि मुजरिम को ही मुंसिफ बना दिया, तो वो उसमें न्याय क्या होगा। बहरहाल जब ये मामला खुला और मनसुख हिरेन की पत्नी बिमला हिरेन ने आरोप लगाया, फिर देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसको लेकर के हंगामा किया, सिलसिलेवार बताया कि किस तरीके से ये कार जो है नवंबर 2020 में मनसुख हिरेन ने दे दी थी सचिन वझे को, एक दूसरे को वो पहले से जानते थे। फिर 5 फरवरी को ये उस कार को वापस कर देते हैं ये कहते हुए कि उसका जो स्टेयरिंग है वो जाम हो जाता है या उसमें दिक्कत है। फिर उसी का वो इस्तेमाल करते हैं 17 फरवरी को मनसुख हिरेन, और फिर से वही दिक्कत आती है, वो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, अगले दिन जब जाते हैं तो वो गाड़ी नहीं मिलती है, और फिर 25 फरवरी को वो पाई जाती है एंटीलिया के बाहर जिसमें कि जिलेटिन छड़े होती है। तो यहीं से कनेक्शन जुड़ रहा है एकदम साफ साफ। लेकिन अब जब उन्होंने बयान दर्ज कराया सचिन वझे ने, तो इस बात से इनकार कर दिया कि इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। खैर ये बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद जैसे ही 25 फरवरी के बाद 26 27 28 फरवरी पुलिस जांच का सिलसिला शुरू होता है, सचिन वझे ही बुलाते हैं मनसुख हिरेन को बार बार, और उसमें ये बात तय होती है जो कि बिमला हिरेन ने बताया, उनकी पत्नी ने, कि इन्होंने कहा कि आप जो है गिरफ्तारी दे दो, वकील कर लेते हैं, 2-4 दिन में जमानत हो जाएगी। यानी कि जब जांच अधिकारी ही इस बात के लिए कह रहा है कि ऐसा कर लो, तो जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो फिर उनको घोड़बंदर बुलाया जाता है, और फिर वहाँ से जो है मुम्ब्रा क्रिक है वहाँ से उनकी बॉडी जो है बरामद होती है। 4 तारीख को वो जाते हैं, 4 मार्च को, और फिर वो लौटते नहीं है, 5 मार्च को बॉडी बरामद होती है। तो भला क्यों ना शक हो कि उनकी हत्या की गई है, और हत्या में एक वो शख्स और एक सचिन वझे का नाम आ रहा है, एक शख्स वो है जो शिवसेना से जुड़ा हुआ है, कि इन लोगों के ऊपर रंगदारी मांगने का पहले भी आरोप लग चुका है। सचिन वझे वहाँ मुंबई पुलिस में होते हैं, फिर जो है वो बर्खास्त होते हैं, फिर जो है वो शिवसेना में शामिल होते हैं, फिर से 2020 में उनकी बहाली हो जाती है। सारी परिस्थितियाँ बता रही है कि सचिन वझे जो है कम से कम दूध के धूले तो नहीं है। अब हत्या में उनका या हत्या हुई कि नहीं हुई, हत्या में उनका किस हद तक हाथ है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट अब आ चुकी है, वो भी जो इशारा कर रही है उसमें बहुत कुछ चीजें मिल रही है। तो एकदम से सचिन वझे सवालों के घेरे में आए। जब तक सचिन वझे से पूछताछ नहीं होगी, जब तक वो राज नहीं उगलेंगे, तब तक मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी क्लियर नहीं होगा। और इधर जो तिहाड़ जेल से कनेक्शन मिल रहा है, जो आतंकी है इंडियन मुजाहिदीन का अख्तर, वो और भी ज़्यादा गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के जो असली कर्ता धरता है वो भटकल बंद हुए, ये बात किसी से नहीं छिपी है। और 2013 में जो अब के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी सभा में पटना में जो है विस्फोट होता है, उसमें इसी आतंकी का नाम आता है जो कि 2014 में जो है गिरफ्तार हुआ और अब जो है तिहाड़ जेल में है। वहाँ से 2 मोबाइल से जो है टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट करने और फिर मैसेज देने का सिलसिला शुरू होता है। तो सारी परिस्थितियों को जोड़ करके देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये साजिश कितनी गहरी है, और सचिन वझे ही वो कड़ी है जो कि राज उगल सकते हैं, जो अभी तक नहीं उगल रहे हैं। अब वो घबराए हुए हैं कि इधर एनआईए जांच कर रही है, उधर एटीएस जांच कर रही है, और यदि उनकी गिरफ्तारी होते हैं, सवालों के घेरे में आते हैं, तब तो उनको राज उगलना ही होगा, क्योंकि बिना शक्ति के तो वो राज उगलने से रहे, और इसीलिए घबरा करके अब वो पहुंचे हैं अदालत में कि उनको अग्रिम जमानत दी जाए। अग्रिम जमानत पे डेट लगी हुई है, जैसे ही इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इनका।